Hello everybody. Today we are here with our next session, which is session number 8. जो session हमारा बात करेगा grammar और vocabulary के बारे में. तो हमारा सबसे पहला topic जो आज हम discuss करेंगे would be prepositions. फिर हम this, that, these, those discuss करेंगे. Then हम affect versus affect के बीच का फर्क जानेंगे. ये वो words होते हैं English के जिनका sound same होता है, but उनके meanings और उनका spellings different होते हैं. Have got और has got के बीच का फर्क और usage समझेंगे. So let's get our session started with prepositions. Prepositions वो होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है. The position of anything is determined with prepositions. Prepositions are of three types: place, time, and movement. ये हमारे प्रेपोजिशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं. प्लेस में हम क्या यूज करते हैं? इन, ऑन, एट, अबव, बिसाइड, अंडर, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ. इनका मतलब और इनके एग्जांपल्स पढ़ के हमें बेहतर चीजें समझ में आएंगी. मूवमेंट के हिसाब से मतलब कौन सी चीज कहाँ पर है? अक्रॉस, थ्रू, टूवर्ड्स, बाय, अप, डाउन, टू, ऑन टू, फ्रॉम, ओवर, आउट ऑफ. नेक्स्ट वी हैव टाइम. इन, ऑन, एट, फ्रॉम, अंटिल, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, बाय एंड ड्यूरिंग. ऑल दीज आर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स से हम बेटर समझ पाएंगे. द चेयर इज इन द फ्रंट ऑफ टेबल. चेयर बिल्कुल टेबल के सामने है. द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. रिवर अंडर द ब्रिज नीचे से बह रही है. द एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. एग्जाम्स मंडे से स्टार्ट होंगे. शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर. वो मिरर के आगे खड़ी है. इन फ्रंट ऑफ, दिस इज प्रेपोजिशंस. दे आर बेस्ट अमंग द ग्रुप. वो ग्रुप में सबसे अच्छे हैं. तो अमंग बिकम्स माई प्रेपोजिशंस. तो इसका हम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा. नाउ वील डिस्कस यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज. फॉर एग्जाम्पल, दिस रेफर्स टू समथिंग दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो हमारे एकदम सामने होती हैं. सो दे कैन बी, यू मे बी होल्डिंग इट, वेयरिंग इट और टचिंग इट. या तो आप उसे पकड़ रखा होगा, आपने पहन रखा होगा, या फिर आप उसे टच कर रहे होंगे. दैट इज समथिंग जो हमसे दूर है, काफी दूर है. उसे हम केवल हम दैट यूज करते हैं. जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, एप्पल्स हैं. आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दैट एप्पल. ये एप्पल पास है तो मैंने यूज करा आई लाइक दिस एप्पल. वो एप्पल थोड़ा सा दूर है, आई यूज दैट एप्पल. आई लाइक दीज एप्पल्स, मुझे ये एप्पल्स पसंद है. आई लाइक दोज एप्पल्स, वो थोड़ा सा दूर है तो दोज आ गया. ओके, अगर हम इसे और बेहतर एग्जाम्पल से समझें, दीज आर माई बुक्स बट द वंस ऑन द टेबल्स आरंट. ये मेरी बुक्स हैं बट जो टेबल पे रखी है वो मेरी नहीं है. वेल, दिस वाइट इज अ लवली शेड बट दैट शेड ऑफ बोन वाइट इज एलिगेंट. ये वाइट शेड भी अच्छा है बट बोन वाइट वो वाला ज्यादा अच्छा है. द वेदर हैज बीन मच नाइसर दिस वीक देन इट वॉज ड्यूरिंग आर हॉलीडे लास्ट ईयर. आज का मौसम ज्यादा अच्छा है पिछले साल के मौसम से. देन कंपेरिजन, दैट वॉज माई हजबेंड राज. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू. दैट, वो मेरे हस्बैंड थे दैट. तो ये हमारा सारा दिस, दैट, दीज, दोज का डिफरेंस एग्जाम्पल्स के साथ हो गया. नेक्स्ट इज अफेक्ट वर्सेज इफेक्ट. अफेक्ट और इफेक्ट ऐसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं. इट इज अ नाउन दैट मीन्स आउटकम और रिजल्ट. इफेक्ट की बात करें, किसी चीज का असर क्या पड़ा, क्या आउटकम, क्या रिजल्ट आया, दैट इज इफेक्ट. और अफेक्ट हो गया मेरा, इट्स अ वर्ब दैट मीन्स टू चेंज और हैव एन इम्पैक्ट ऑफ. किसी चीज में क्या बदलाव करा, वो अफेक्ट हो गया. एग्जाम्पल से बेटर आएगा समझ में, जैसे इस पिक्चर से आ रहा होगा. इफेक्ट, गर्मी पड़ने से पौधा सूख गया. और गर्मी ने क्या अफेक्ट करा, पेड़ पे अफेक्ट करा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट्स ऑफ द रेनफॉल वर ओवरवेलमिंग. बारिश की वजह से सब उथल पुथल हो गया. द वे शी अफेक्टेड अदर लाइव्स वाज एडमायरेबल. जिस तरीके से उसने लोगों की जिंदगी में चेंज लाया वो काबिलियत तारीफ था. योर एडवाइस हैड अ रिमार्केबल इफेक्ट ऑन माई डिसीजन. आपकी सलाह से मेरा काम अच्छा हुआ. इफेक्ट, आपकी सलाह ने क्या असर किया. योर सजेशंस हैव अफेक्टेड मी अलॉट. आपकी सलाहों ने मुझे, मेरे अंदर बहुत फर्क आया, मेरे डिसीजंस में बहुत फर्क आया. सो ये मेरा डिफरेंस होता है. अब हम एक एक्सरसाइज की तरफ से इसे समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द पॉसिबल अफेक्ट और इफेक्ट ऑफ दीज एक्शंस.
मतलब इन एक्शंस के क्या रिजल्ट हो सकता है। तो रिजल्ट के लिए हमने डिस्कस किया था इफेक्ट। व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स इफेक्ट्स के आगे एस लगा देंगे, इनके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स, हर एक्शंस विल पॉजिटिवली, उसके एक्शन से फर्क पड़ेगा, तो अफेक्ट योर रेप्यूटेशंस। द साइक्लोन हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, साइक्लोन का, बाढ़ का कोई असर नहीं हुआ, तो इफेक्ट। द क्राइसिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आर कंट्री, मतलब भुखमरी या किसी शॉर्टकमिंग क्राइसिस की वजह से हमारी कंट्री पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे तरीके की वोकैबलरी जिनके साउंड सेम होते हैं बट मतलब अलग होते हैं, लाई वर्सेस ले। लाई मतलब झूठ, ले मतलब पड़ा हुआ है, शी इज लेइंग ऑन द बेड, वो बेड पे लेटी हुई है। ऑल वर्सेस होल, सब कुछ और सारा। ऑल मतलब सब कुछ, होल मतलब सारा। एडवाइस वर्सेस एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह देना, मैंने उसे एडवाइस किया। सी वर्सेस वॉच वर्सेस लुक, देखना वॉच लुक। डेड वर्सेस डाइड वर्सेस डेथ, यहाँ पे टेंसेस का डिफरेंस है, क्योंकि तो हमारी अलग वोकैबुलरी होगी जिसको आप वर्कशीट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज हैव गॉट एंड हैज गॉट। हैव गॉट किसके साथ यूज होगा? आई वी यू दे के साथ। हैज गॉट किसके साथ यूज होगा? ही शी इट के साथ। दिस इज ग्रामर रूल। और ये कैसे यूज होगा? सब्जेक्ट मतलब जिस सेंटेंस में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो, उसके साथ हैव गॉट और हैज गॉट और नाउन। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से समझते हैं। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट, आई अपोस्ट्रफी एंड वी ई, ही हैज गॉट, ही इज एच ई एस। ये हमारे लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म कन्वर्जन है जो हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। आई हैव गॉट अ ब्रांड न्यू बाइसिकल, मेरे पास एक नई साइकिल आई है। अर्जुन हैज गॉट अ न्यू वॉच, वी हैव गॉट अ न्यू अपार्टमेंट। हैज मिस मालिनी गॉट टू चिल्ड्रन, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा। तो इस तरीके से हम हैव गॉट और हैज गॉट यूज करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंड एज आई ऑलवेज से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो नो मैटर वॉट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।